तो ये वाला वीडियो पहले वाले इस वीडियो से रिलेटेड है। उसमें हमने देखा था कि इन्फॉर्मेशन हम कई सारे यूनिक तरीके से पा सकते हैं, चाहे वह आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके हो या फिर किसी स्पिरिट से कॉन्टैक्ट करके हो। तो इस वीडियो में मैं जो आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वह एक स्पिरिट से कॉन्टैक्ट करके पाई गई थी। तो पहले हम बात करते हैं कि स्पिरिट से कैसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, टेक्नोलॉजी का भी यूज करके किया जा सकता है, जिसमें ओहुजा बोर्ड से लेकर कई सारे एडवांस डिवाइसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। और तरीका कॉन्टैक्ट करने का ऐसा है जिसमें हम अपनी सेल्फ पावर का इस्तेमाल करते हैं। एक स्पिरिट राइटिंग मेथड होता है जिसे हम ऑटोमेटिक राइटिंग भी बोलते हैं। यह ऐसा तरीका है जिसमें चैनलर मतलब कि कॉन्टैक्टर एंजेलिक जोन के किसी स्पिरिट को अपने हाथ पे काबू पाने का इजाज़त देता है, जिसके बाद वह जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है उसका जवाब स्पिरिट उसके हाथ पे काबू पाकर और लिखकर जवाब दे देता है। एक और तरीका है कॉन्टैक्ट करने का, वह है ट्रांस चैनलिंग, जिसमें हम किसी स्पिरिट को अपने बॉडी में आने का इजाज़त देते हैं, जिसके बाद वह स्पिरिट हमारे बॉडी पे कंट्रोल ले लेता है और हमारे वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करके हमें बोलकर जवाब देता है। उस वक्त हम बिल्कुल भी अनकॉन्शियस रहते हैं, अपने बॉडी से निकलकर एस्ट्रल जोन में रेस्ट कर रहे होते हैं। यह सब चैनलिंग ठीक से करने का तरीका होता है। मैं आपको ये सब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, बिना डीपली रिसर्च किए हुए और किसी के निगरानी में इन सबको ट्राई करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब करते वक्त अगर किसी बुरी आत्मा ने आपके होस्ट पे कंट्रोल ले लिया तो हो सकता है वो आपके बॉडी को छोड़कर ना जाए और ऐसे में आप अपने बॉडी खो सकते हैं। ये सब लव और लाइट की एनर्जी के उपस्थिति में किया जाता है। कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स थे जो ऐसी चैनलिंग किया करते थे और अभी भी बहुत सारे हैं जो करके दूसरी दुनिया से जानकारियां हासिल करते हैं और धरती के एसेंशन में मदद करते हैं। उन लोगों से जो लोग अभी भी परिचित नहीं हुए हैं वे लोग भी जल्द ही परिचित होंगे। मैं जो आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो 1981 में जब चैनलिंग की गई थी तब पता चला था। तीन लोग थे, पहला डॉन एल्किंस जो कि क्वेश्चन पूछने वाला था, दूसरा जिम मैकेटी जो कि स्क्राइबर था उस इन्फॉर्मेशन को लिखने वाला, तीसरा कार्ला रुक्यार्ड थी जो कि चैनलिंग करती थी। इन्होंने चैनलिंग का सारा इन्फॉर्मेशन बुक्स में लिखा हुआ है, फ्री में पीडीएफ भी मौजूद है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप विजिट कर सकते हैं। इन्होंने जिस स्पिरिट से कॉन्टैक्ट किया था उसने अपने परिचय में बताया था कि वह राह है जो कि 6th डेंसिटी कॉन्शियसनेस लेवल का बींग है। राह एक वेनेशियन था जो कि वेनस पे 2.6 बिलियन ईयर्स पहले इवॉल्व हुआ था। वो भी पहले हमारे जैसा ही था, 3rd डेंसिटी कॉन्शियसनेस लेवल का बींग था जैसा अभी हम है। पहले हम अपना ये डाउट क्लियर करते हैं कि 6th और 3rd डेंसिटी का बींग होने का मतलब क्या होता है। जैसे बटरफ्लाई का एवोल्यूशन का 4 स्टेज होता है, जिसमें पहले वह अंडा रहता है, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर पूपा और फिर एक बटरफ्लाई बनता है, वैसे ही ये डेंसिटी वर्ड हमारा एवोल्यूशन बताता है, लेकिन फिजिकल रियलिटी की नहीं बल्कि साउल का एवोल्यूशन बताता है। इस ब्रह्मांड में हमारा कॉन्शियसनेस पावर कितना है, हम कितना जागरूक हुए हैं, इसी को हम इस डेंसिटी स्केल पे नापते हैं। हमारा लाइफ बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है। जैसे गेम में एक कैरेक्टर होता है जिसको हम अपग्रेड करके हायर लेवल पे ले जाना बहुत पसंद करते हैं, उसका स्किल हम नई नई चैलेंजेस को मिशन को पूरा करके बढ़ाते हैं, जिसके बाद कैरेक्टर का लेवल बढ़ता है, धीरे धीरे वह गेम के लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है और उस गेम का मास्टर प्लेयर बन जाता है। सेम इसी तरीका से हमारी ये दुनिया एक बहुत बड़ा गेम है, एक ब्रह्मांडीय खेल है जिसमें हम सब प्लेयर्स हैं। जैसे जैसे हम नई नई चैलेंजेस को मिशन को पूरा करते हैं हमारा कॉन्शियसनेस पावर बढ़ता है, हम एवॉल्व होते हैं और एक लेवल पे पहुँच कर हम इस ब्रह्मांडीय खेल के मास्टर प्लेयर बन जाते हैं, जिसको हम ईश्वर में सम्मिलित होना कहते हैं, मोक्ष पाना कहते हैं। इस ब्रह्मांडीय खेल में हम कितना मास्टर बन गए इसी को हम डेंसिटी स्केल पे नापते हैं। 12 डेंसिटी कॉन्शियसनेस लेवल होता है, शुरुआत 1 से होकर 12 तक जाता है। जैसे जैसे हम इस स्केल पे आगे बढ़ते जाते हैं हमारा वाइब्रेशन हाई होते जाता है और हमारा बॉडी इथेरिक होते जाता है, मतलब हम नॉन फिजिकल एंटिटी बनते जाते हैं। शुरुआत होता है 1st डेंसिटी कॉन्शियसनेस लेवल से। ये कॉन्शियसनेस बेसिक फिजिकल एलिमेंट के पास होता है, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, अर्थ, रॉक्स एंड सो ऑन। ऑफकोर्स इस ब्रह्मांड में सब कुछ इनर्जी है, कॉन्शियसनेस ही फिजिकल रियलिटी को एग्जिस्टेंस में लाता है। क्वांटम वॉर्टेक्स से कॉन्शियसनेस का एक टुकड़ा परमात्मा से आता है
और अपने आप को पार्टिकल के रूप में मैनिफेस्ट करता है। जैसे कि हम एक सावल बॉडी में इनकार्नेट करके इस फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, वैसे ही बहुत ही साधारण कॉन्शियसनेस अपने आप को इस फिजिकल वर्ल्ड में पार्टिकल के रूप में मैनिफेस्ट करता है। नदियाँ, पहाड़, इन सब में कॉन्शियसनेस होता है। जहाँ पे ज़्यादा कॉन्शियसनेस होता है उसके पास उतना ही इनर्जी होता है, सिंक्रोनाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी होता है। हमारी धरती कई करोड़ साल ऐसी हालात से गुजरी थी जब सिर्फ वल्कानो फटती थी, मैग्मा बहती थी, लहरें और सुनामी सब आती थी। उस वक्त पृथ्वी पे एक भी पेड़ पौधे नहीं थे। बाद में जब धीरे धीरे पृथ्वी शांत हुई तब इस पे हरियाली आने लगी। तो धरती पे ये पेड़ पौधे कैसे आ गए? ये सब इन फर्स्ट डेंसिटी कॉन्शियसनेस वाली चीज़ों का ही कमाल है। जब पानी, हवाएं, पत्थरें, ये फर्स्ट डेंसिटी वाली कॉन्शियसनेस आपस में टकराई तब फ्रिक्शन पैदा हुआ और यही फ्रिक्शन इनके कॉन्शियसनेस पावर को बढ़ाकर सेकेंड डेंसिटी कॉन्शियसनेस लेवल पर ले गया। इस लेवल पर आकर एक कॉन्शियसनेस, एक साउल, पेड़ पौधों का रूप लेता है और दुनिया को नए तरीके से एक्सपीरियंस करने लगता है। ये ग्रोथ और मूवमेंट वाली डेंसिटी है जहाँ पे एक साउल ग्रो करना, मूव करना, रिप्रोड्यूस करना, ये सब सीखता है। सेकेंड डेंसिटी के लोअर लेवल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आते हैं। इस स्टेज पे वे भोजन ट्रैक करना, मूवमेंट, ये बेसिक चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद इस स्टेज पे जब वो निपुणता हासिल कर लेते हैं तब सेकेंड डेंसिटी के मिडल लेवल पे मूव कर जाते हैं जहाँ पे वो पेड़ पौधे के रूप में आते हैं। स्पेस टाइम की रियलिटी को समझने लगते हैं, इन्वायरमेंट में हो रही चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं, पेन और प्लेजर फील करना सीख जाते हैं। फिर जब इन सब कामों में वह निपुणता हासिल कर लेते हैं तो वह सेकेंड डेंसिटी के हाई लेवल पे मूव कर जाते हैं जिसमें एक साउल, एनिमल या फिर पेट के रूप में इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने लगता है। अब यहाँ पे हम ह्यूमंस भी इन सेकेंड हायर डेंसिटी वाले को ट्रेन करते हैं, उनका नाम रखा करते हैं, पुकारते हैं। इन सबसे एनिमल्स को खुद के होने का एहसास होने लगता है। ऐसा होने के बाद उनको ह्यूमन कॉन्शियसनेस हासिल होने लगता है। जब थर्ड डेंसिटी कॉन्शियसनेस हासिल हो जाता है तब इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए उनको एक न्यू व्हीकल मिलता है जो कि ह्यूमन बॉडी है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य रूप 24 योनियों के बाद मिलता है, ऐसा ही कुछ राह का भी मतलब था। मनुष्य रूप धारण करने के लिए हमें फर्स्ट और सेकेंड डेंसिटी में कई बार इनकार्नेट करना पड़ता है। फिर कई सारे लेसन सीखकर हम मनुष्य रूप में आते हैं और थर्ड डेंसिटी कॉन्शियसनेस हासिल करते हैं। इस डेंसिटी पे हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस होता है। सबकी अलग अलग भावनाएं होती हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव होती है, जिसकी वजह से हम सब एक दूसरे से डिसकनेक्टेड और अलग अलग फील करते हैं। रा ने यह भी बताया था कि थर्ड डेंसिटी में जब भी कोई साउल इनकार्नेट करता है, अब चाहे वो अपर डेंसिटी से हो या फिर लोअर डेंसिटी से धीरे धीरे इवॉल्व होकर आया हो, इस थर्ड डेंसिटी में आने से वो सब कुछ भूल जाता है। वो सब कुछ भूल जाता है कि वो अपने आप को इवॉल्व करने के प्रोसेस में है या फिर कोई अपर डेंसिटी से मिशन लेकर आया है। ये थर्ड डेंसिटी सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज और सफरिंग से भरी हुई होती है। इस डेंसिटी में जब भी कोई कई सारी प्रॉब्लम से गुजरता है, चैलेंजेस लेता है, रिस्क लेता है, कई सारी डिफिकल्टीज का सामना करता है, तो उसकी एवोल्यूशन इस डेंसिटी में फास्ट हो जाती है। उसके आँखों के सामने जो इल्यूजन का पर्दा होता है वो हटने लगता है और फिर वो इस थर्ड डेंसिटी के हायर लेवल पर पहुँचने लगता है जहाँ पे वो अपने फ्री विल के जरिए ये डिसाइड करता है कि उसे नेगेटिव रास्ता चुनना है या फिर पॉजिटिव। जो नेगेटिव पाथ चुनता है उसको हम सर्विस टू सेल्फ पाथ के कैटेगरी में डालते हैं। इसमें एक एंटिटी सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर जाता है और जो पॉजिटिव रास्ता चुनता है उसको हम सर्विस टू अदर के कैटेगरी में डालते हैं, जिसमें वो एंटिटी दूसरी साउल को एवॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही अपनी भी ख्याल रखता है। इन दोनों पाथ में से जब कोई एंटिटी एक रास्ता चुन लेता है तब उसका कॉन्शियसनेस पावर फोर्थ डेंसिटी में स्विच होने लगता है। थर्ड डेंसिटी के बाद जितनी भी डेंसिटीज हैं उसमें हम उसी रास्ता पे मास्टर बनते हैं जो पोलैरिटी में से चुने हुए होते हैं। ये फोर्थ डेंसिटी लव और अंडरस्टैंडिंग वाली डेंसिटी होती है। इसमें हम अपनी चूज की गई पाथ में एवॉल्व होना शुरू करते हैं। इस फोर्थ डेंसिटी में हम अपने फोर्थ सेंटर यानी कि हार्ट सेंटर को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से जो इल्यूजन होता है वो सब खत्म होने लगता है। हमें एहसास होने लगता है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। रा ने बताया था कि हम फोर्थ डेंसिटी में 2012 में ही एंटर कर गए थे, इसलिए तो कई सारे लोगों का मैनिफेस्टेशन पावर फास्ट हो गया है और टेलीपैथी जैसी पावर्स का भी इस्तेमाल करना सीख गए हैं। इस फोर्थ डेंसिटी में हम वाइब्रेशन के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे कि हम कुछ खाते हैं उससे पहले सोचते हैं कि ये प्योर होगा या नहीं, टॉक्सिक फ्री होगा या नहीं, ऐसे हम भोजन के प्रति जो कि इनर्जी है उसके प्रति हम सेंसिटिव हो जाते हैं। इस फोर्थ डेंसिटी में जो नेगेटिव पाथ
यानी कि STS पाथ चुने हुए होते हैं वो हार्ट सेंटर को स्किप कर देते हैं, और क्योंकि ग्रेट पावर इसी सेंटर से आती है इसलिए बुराइयों को कभी भी बड़ी शक्ति नहीं मिल पाती है। इसी पे तो ये कहावत भी बेस्ड है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। हम धरती पे जो एलियन एनकाउंटर्स की बात सुनते हैं कि उनके पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसे कि फ्लाइंग सॉसर्स, और सुनते हैं कि वो बिना बोले ही बात करते हैं टेलीपैथी का यूज़ करके, और सुनते हैं कि किसी सॉलिड चीज़ के आर पार वो चले जाते हैं। ये सभी पावर इसी फोर्थ डेंसिटी कॉन्शियसनेस लेवल पे आ जाने से मिलती है। आपका भी कॉन्शियसनेस पावर जब इस फोर्थ डेंसिटी के हाई लेवल पे पहुंचेगा तो आपके DNA में से ये सभी पावर्स अनलॉक होने लगेगी। इस फोर्थ डेंसिटी में हम स्पेस टाइम कंटिन्यूम में मास्टर बनने लगते हैं। इसकी कुछ जो लिमिटेशन होती है उसको हम क्रॉस कर जाते हैं। हमारा माइंड इतना पावरफुल बनने लगता है कि हम इस फिजिकल वर्ल्ड को और नॉन फिजिकल वर्ल्ड को अच्छे से समझने लगते हैं। फोर्थ डेंसिटी में ही हम सोशली अलाइन होना शुरू होते हैं। सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स का बेस बनना शुरू होता है जिसमें हम सबको साथ लेकर इवॉल्व होना शुरू करने लगते हैं। और ऐसे ही हम फिफ्थ डेंसिटी कॉन्शियसनेस लेवल पर स्विच कर जाते हैं जो कि लेवल है लाइट और विजडम हासिल करने की। इसमें हम यूनिवर्सल लॉ में मास्टर बनने लगते हैं। मैनिफेस्टेशन सुपर फास्ट हो जाता है और पावर जैसे कि टेलीपैथी, चीज़ों के आर पार जाना, इसको हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। फोर्थ डेंसिटी में तो टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना पड़ता है, लेकिन फिफ्थ डेंसिटी में बिना किसी टेक्नोलॉजी के हम बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहला कारण तो ये है कि हमारा वाइब्रेशन बढ़ जाता है, और दूसरा ये कि हमारा बॉडी भी काफ़ी इथेरिक हो जाता है। फिफ्थ डायमेंशन के हायर लेवल पे हम जब काफ़ी सारी नॉलेज और विजडम हासिल कर लेते हैं तब इंडिविजुअलिटी खत्म होने लगती है। हम सब एक ग्रुप बनाकर, सोल ग्रुप बनाकर एक साथ एवॉल्व होना शुरू करते हैं, और तब हमारा कॉन्शियसनेस पावर सिक्स्थ डेंसिटी में स्विच होने लगता है। सिक्स्थ डेंसिटी में हम सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स डेवलप करते हैं। इस सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स में हम एक दूसरे की नॉलेज को, विजडम को एक्सेस कर पाते हैं। सिक्स्थ डेंसिटी का एंटिटी फिजिकल रियलिटी के सभी इल्यूजन के खेल को समझते हैं। वे इस फिजिकल रियलिटी में इनकार्नेट करना, लाइफ एक्सपीरियंस करना, कोई मिशन की पूर्ति करना, ऐसी सभी कामों में मास्टर प्लेयर होते हैं। इस डेंसिटी पे आकर एक साल अपने आप को पूरी तरह से डेवलप कर लेता है, सेल्फ मास्टरी हासिल कर लेता है। फिर आगे एवॉल्व होने के लिए कई सारे साल ग्रुप में आते हैं और एवॉल्व होना शुरू करते हैं। ऐसे ही सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे जैसे सिक्स्थ डेंसिटी के हाई लेवल पे वे पहुंचते हैं वे नॉन फिजिकल एंटिटी बनते जाते हैं। ऐसे ही वो सेवन डेंसिटी कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुंच जाते हैं। इस लेवल पे पहुंच कर हम पूरी तरह से एक नॉन फिजिकल एंटिटी बन जाते हैं। यहाँ पे हम अपने कॉन्शियसनेस पावर को इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस नहीं कहते हैं जैसा अभी हम कहते हैं, सबकी कॉन्शियसनेस पावर को अलग अलग कहते हैं। ऐसा इस लेवल पे नहीं होता। इस सेवन डेंसिटी में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है जो कि पिछले डेंसिटी में कई सारे साल जब ग्रुप बनाकर डेवलप होना शुरू किए थे तब बनने लगी थी। इस डेंसिटी पे हम सब का हायर सेल्फ होता है। अभी तो हम सब टुकड़ों में बटे हुए हैं। जैसे जैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस पावर को बढ़ाकर इस स्केल पे आगे बढ़ते जाएंगे हम ग्रुप बनाकर एवॉल्व करना शुरू करेंगे और हमारा एक पार्टिकुलर साउल बनेगा जो कि हमारा ओवर साउल कहलाता है। ऐसा ही कुछ हमारा हायर सेल्फ होता है। अभी इस दुनिया में जो 7 बिलियन लोग हैं एक हमारे हायर सेल्फ के ही टुकड़े हैं। जब हम मरते हैं तब इसी सेवन डेंसिटी में हम अपने ओवर साउल के पास जाते हैं और फिर अपने डिजायर के अनुसार रीइंकार्नेट करते हैं। यही डेंसिटी एस्ट्रल प्लेन रीजन है। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है, सिर्फ पॉजिटिव वॉन्स होते हैं। सेवेंथ डेंसिटी में जो कई सारी साउल्स की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है जिन्हें हम ओवर साउल्स कहते हैं, वे इस फिजिकल रियलिटी में एक प्लैनेट के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे हम इस फिजिकल रियलिटी में ह्यूमन बॉडी के रूप में आते हैं वैसे ही ओवर साउल्स एक प्लैनेट के रूप में इनकार्नेट करते हैं। हमारी धरती सेवन डेंसिटी की एंटिटी है। इनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हम सब का हायर सेल्फ है। अब नेक्स्ट डेंसिटी पे जाने के लिए ये ओवर साउल्स जिन्हें हम प्लैनेट्स भी बोलते हैं ये कई सारे प्लैनेट्स के साथ कंबाइन होते हैं। फिर 8th डेंसिटी कॉन्शियसनेस लेवल बनता है जिसे हम सोलर सिस्टम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। इसमें कई सारे प्लैनेट्स स्टार्स के साथ कंबाइन होते हैं और सोलर कॉन्शियसनेस बनाते हैं। और फिर जब कई सारे सोलर कॉन्शियसनेस साथ आते हैं तब गैलेक्टिक कॉन्शियसनेस बनता है जो कि 9th डेंसिटी कॉन्शियसनेस लेवल है। कई सारे प्लैनेट्स पे हो रही एसेंशन, स्टार्स का मरना, न्यू स्टार्स का बॉर्न होना, ये सब इसी गैलेक्टिक डेंसिटी से गवर्न होता है। इस डेंसिटी पे हम आकर पूरे गैलेक्टिक लेवल का नॉलेज, विजडम हासिल कर लेते हैं। 10th डेंसिटी कॉन्शियसनेस लेवल पे कई सारी गैलेक्टिक कॉन्शियसनेस कंबाइन होती है और गैलेक्सी का क्लस्टर बनाती है। और फिर ऐसे ही 11th डेंसिटी में कई सारी गैलेक्सी का क्लस्टर कंबाइन होकर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बनाती है। 11th डेंसिटी का कॉन्शियसनेस
ब्रह्मांड के रूप में इस फिजिकल वर्ल्ड में इनकार्नेट करते हैं। और रही बात 12 डेंसिटी कॉन्शियसनेस की, तो ये तब बनता है जब कई सारे ब्रह्मांड कंबाइन होते हैं। ये डेंसिटी मल्टीवर्स लेवल की है, सभी यूनिवर्स का ओवरसाउल इसी डेंसिटी में होता है। और फिर कई सारी ओवरसाउल्स जो कि कई सारी यूनिवर्स का कलेक्टिव है, वो सब मिलकर न्यू कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाते हैं। इस तरह से कई सारी पॉसिबिलिटीज बनती जाती है। राने इन 12 डेंसिटी के अलावा एक और डेंसिटी की बात की थी, वह 13 डेंसिटी की, पूरे ब्रह्मांड को एग्जिस्टेंस में लाने वाले जो कि प्राइम क्रिएटर हैं, इन्हीं को राने इन्फिनिट क्रिएटर कहा। इन्हीं के वजह से सब कुछ एग्जिस्टेंस में आता है। इन्हीं से कई सारे कॉन्शियसनेस के टुकड़े फर्स्ट डेंसिटी के एग्जिस्टेंस में आते हैं और फिर अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। तो ये था डेंसिटी के बारे में नॉलेज। मैंने आपको 12 डेंसिटी स्केल की मदद से समझाया। हालांकि रा ने 7 डेंसिटी स्केल की बात की थी, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, बस अच्छे से समझने की बात है। आप दोनों स्केल को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको ये सब बताया। ओरिजिनल रा का सेशन आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बुक्स भी हैं, PDF भी फ्री में मौजूद है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा उसको देखने की, उससे यूनिवर्स के बारे में कई सारे बेसिक ज्ञान आपको मिलेंगे। ये इन्फॉर्मेशन तो पास्ट में की गई चैनलिंग की इन्फॉर्मेशन थी, अभी की बात करें तो अभी भी बहुत सारे करते हैं। कोई लाइट्स कोड्स की चैनलिंग करते हैं, तो कोई स्पिरिट कॉन्टैक्ट मशीन या फिर सेल्फ पावर का यूज करके करते हैं। यूट्यूब पे एक चैनल है सैम द इल्यूजनिस्ट, ये सिक्किम का ही है जो कि स्पिरिट चैनलिंग करता है। आप उसकी वीडियो देखकर अपने वाइब्रेशन को वैसी इन्फॉर्मेशन से ट्यून करें, धीरे धीरे वैसी ही बहुत ही अनोखी इन्फॉर्मेशन आपके तरफ खींची चली आएंगी।